गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है और अभी सुबह की जो वॉकिंग जॉगिंग कंप्लीट हो गई है। आजकल नहीं जा पाती हूँ यार, बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ। तो जब भी जाती हूँ ना तो इतनी थकावट सी लगती है, क्योंकि वीक में मुश्किल से एक या दो दिन मेरा वर्कआउट हो पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे करके हम ट्रैक पर ले ही आएँगे। बट अभी आई हूँ मैं, पहले तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। सिद्धार्थ का अभी वैसे तो सैटरडे उसकी छुट्टी होती है, और वैसे भी लास्ट वीक जो गया है ना, पूरा ऑनलाइन क्लासेस गई हैं, तो उसकी तरफ से मतलब स्कूल लाना ले जाना वो सब नहीं चल रहा था। तो अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। आज हस्बैंड को थोड़ा लेट जाना है, आप घड़ी में टाइम देख सकते हो, 8:30 हो रहा है। तो मैंने थोड़ा रेस्ट करके चाय वगैरह आराम से पी करके तब मैं उठी हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि उनको लेट जाना है। तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम था कि मैं आराम से कुकिंग कर सकती हूँ। आज मैं बहुत यमी यमी और स्वीट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने एकदम अभी सुबह सुबह सोचा। एक्चुअली हस्बैंड कल आम लेकर आए थे ना, तो कल तो नहीं धोए थे मैंने इनको, अभी मॉर्निंग में मैं वॉश करके रख रही थी। तो मेरे दिमाग में आया कि चलो बनाती हूँ। दो तीन दिन पहले अभी हस्बैंड ने मुझे याद भी दिलाया था कि इस बार इस सीज़न तुमने बनाया नहीं है, तो मैं बनाने जा रही हूँ ना मैंगो खीर। काफ़ी टाइम पहले मैंने आपके साथ कई साल पहले शेयर किया था, और उसके बाद मुझे याद नहीं बनाया है मैंने। लास्ट ईयर भी बनाया है, लेकिन हर सीज़न में एक बार तो बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ। वैसे ही मीठा थोड़ा कम ही बनता है घर में। आज लेकिन सोचा कि बना देते हैं, क्योंकि दूध भी काफ़ी एक्स्ट्रा रखा हुआ था घर में। एक्चुअली पापा माँ थे ना, तो उस हिसाब से हमने दूध का लगवाया हुआ था, और वो अभी हम हटाना ही भूल जाते हैं डेली, कि जब से पापा माँ नहीं है ना, तो वो जो एक्स्ट्रा दूध लगाया था वो हटाना ही भूल जाते हैं। तो दूध आके ना बहुत इकट्ठा हो गया, तो बस मैंने चढ़ा दिया उधर दूध उबलने के लिए, थोड़ा वो बॉयल आ जाए। तब तक इधर मैंने क्या किया है, मैंने लिया है गोविंद भोग राइस। तो या तो जो खीर के चावल अलग से आते हैं ना खुशबू वाले, वो लीजिए, या फिर गोविंद भोग से बहुत अच्छी खीर बनती है। तो राइस को थोड़े से लेके मैंने वॉश करके उनको भी रख लिया है। मीनवाइल यहाँ पे सब्जियाँ मैं सारी निकाल के चेक करने जा रही हूँ। मैंने आपसे बोला था ना कि दो तीन दिन बीच में घर में सब्ज़ी बिल्कुल नहीं रही है, तो बस आलू या फिर कभी पनीर बना लिया था, कभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर भी किया था मटर आपके साथ में। और कभी कुछ जो ऐसे मोटा चीज़ होती है ना, सूखी चीज़, चने हो गए, राजमा हो गए, ये सब मैं कर रही थी। तो आज मैंने ढेर सारी सब्ज़ियाँ मंगा ली सुबह कंट्री डिलाइट से ही, जहाँ से हम लोग सब्ज़ी लेकर आते हैं ना। तो क्या होता है ना, जब सिद्धार्थ का स्कूल रहता है ना, तो हम सुबह जब मॉर्निंग में उसको छोड़ने जाते हैं, वापसी में सब्ज़ी खरीद लेते हैं। लेकिन जब स्कूल नहीं था लास्ट वीक पूरा, तो वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। और जो सब्ज़ी वाले भैया थे, मैंने बताया था बारिश की वजह से या क्या रीज़न था, वो सब्ज़ियाँ लेकर ही नहीं आए थे। तो फिर आज मैंने कहा अब आलू या कोई और चीज़ मैं नहीं खा सकती, हरी सब्ज़ी मंगानी ही पड़ेगी। तो मैंने रात ही ऑर्डर कर दिया था, और ये सुबह सुबह जो हमारा मिल्क का ऑर्डर आता है ना, उसके साथ में आ जाता है कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करो। तो मैंने कंट्री डिलाइट से ना ज़्यादा सब्ज़ियाँ कुछ मंगवाई नहीं है, शायद एक या दो बार मंगवाई होगी कभी। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि सारी सब्ज़ियाँ सही आई हैं कि नहीं, तो सब ठीक ठाक ही थी। सब्ज़ियाँ अच्छी थी, मतलब ख़राब नहीं कह सकते आप किसी चीज़ को, बढ़िया थी। तो इन सारी चीज़ों को बस मैं निकाल के देख रही हूँ, और मुझे लगता है जितनी तो ये सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं, उससे ज़्यादा पॉलीथीन्स होती हैं। वैसे ये आई थिंक बायोडिग्रेडेबल जो क्वालिटी आती है वो हैं ये, बट फिर भी इतने की ज़रूरत नहीं है जितना डाल के भेजते हैं ये लोग। या कोई भी आप मतलब कभी ऑनलाइन से आप मंगवाइए ना, गत्ते भी उतने ही होंगे, बॉक्सेस भी उतने ही होंगे, पन्नियाँ भी उतनी ही होंगी, तो इतने की ज़रूरत नहीं है जितना पैक करके भेज देते हैं आई थिंक। तो इनको मैंने देखा, कुछ सब्ज़ियाँ मैंने फ्रिज में डाल दी, कुछ अभी रखी हुई हैं, डिसाइड करना है कि मुझे उनमें से क्या बनाना है। यहाँ पर जो गोविंद भोग राइस मैंने 10-15 मिनट पहले वॉश करके रखे थे, इनको आपको याद से वॉश करके रखना है, इनको आपको भिगो करके पानी में नहीं रखना है। इनको वॉश कीजिए और गीले चावल ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप 10-15 मिनट बाद इनको हाथ से मसलेंगे ना, तो ये थोड़े से छोटे छोटे ग्रेन होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, कनकी जैसा हो जाता है। और ये प्रोसेस करने के बाद आपको कभी इसे धोना नहीं है, धो के आप रखिए। और फिर जब आप उसको ऐसे ऐसे हाथ से मसलेंगे, तो कुछ जो दाने हैं ना वो बहुत ही महीन हो जाएंगे, कुछ पाउडर जैसे बन जाएंगे। बस वही सारा उठा के आपको डाल देना है अपने दूध के अंदर जो ऑलरेडी बॉईल हो चुका है। और ये एक लिटिल सीक्रेट है, जब आप खीर बनाते हो ना, बहुत बेहतरीन इससे खीर बन के तैयार होती है। और फिर मैंने डिसाइड किया मैं भिंडी की भुजिया बनाने वाली हूँ, तो बस उनको वॉश करके ड्राई करके मैं कट कर लूँगी।
वैसे जो आज पूरा मेन्यू मैंने सोचा है, मैंने सोचा कि मैं खीर बना रही हूँ तो मैं उसके साथ पूड़ी बनाऊँगी ज़रूर। और सब्ज़ी वैसे आलू की अच्छी लगती है या पनीर की अच्छी लगती है, लेकिन दोनों खा खा के बोर हो चुकी हूँ इन 2-3 दिनों में। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कोई हरी सब्ज़ी ही बनाऊँगी, तो इसीलिए भिंडी की मैं भुजिया बना रही हूँ, साथ में खीर और पूरी रहेगा। और जो पूरी भी बना रही हूँ ना, उसमें भी क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ वो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है, काजू लिया है, बादाम लिया है, और साथ में चिरौंजी होती है ना, जो छोटी छोटी गोल गोल होती है, मुझे नहीं पता कितने लोग जानते होंगे, ये भी ड्राई फ्रूट्स में ही आती है। और खीर में तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है चिरौंजी का, या फिर जब आप गुजिया वगैरह बनाओ ना तो उसमें चिरौंजी बहुत अच्छी लगती है खोया के साथ में। तो ये रख लिया मैंने, ये 4 चीज़ें हैं, इनको अच्छे से मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा बचा के जो मैं गार्निश में यूज़ करूँगी उसको बचा करके बाकी का आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। चावल डालें, उसके थोड़ी देर बाद आप डाल सकते हो, ये अच्छे से फूल जाते हैं, फ्लेवर बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो ये सब मैंने डाल दिया, और चिरौंजी को आपको गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, चिरौंजी तो आपको ऐसे ही डाल देना होता है इसके अंदर, वो अच्छे से उबल के खदक के खीर के साथ पक जाएगी। बाकी गार्निशिंग के लिए पिस्ता, काजू, बादाम ये काफ़ी है। यहाँ पे मैंने लिया है आटा जो कि ख़त्म हो चुका है, तो ये भी हम मुझे मंगाना है। जितना आटा था उतना सफिशिएंट था हम लोगों के लिए। इसके अंदर मैंने डाला है अजवाइन, नमक ऐड कर दूंगी इसके अंदर, साथ ही डालूंगी कसूरी मेथी, बहुत ही टेस्टी पूरी लगती है मेथी वाली। और बस मैं इसको लगा दूंगी स्टैंड मिक्सर पे गूथने के लिए। खीर हमारी अच्छे से पक चुकी है, चावल अच्छे से गल चुके हैं, तो मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें 3½ टीस्पून के आसपास शुगर ऐड कर रही हूँ। वैसे भी हम लोग बहुत कम मीठा डाल के बनाते हैं, क्योंकि हमें जो मिल्क की स्वीटनेस है वो भी बहुत अच्छी लगती है। साथ ही मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ मीठे मीठे दशहरी मैंगो, जो कि बहुत ही स्वीट हैं, तो उसकी स्वीटनेस भी इसके अंदर आएगी। तो मैंने चीनी कम ही डाली है, तो सोच समझ के आप चीनी डालिएगा, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं। तेज़ चीनी खाते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, या मेरी तरह इसको हल्का मीठा भी बना सकते हैं। अब ये खीर ना आपको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए, ये हमें ठंडी चाहिए, या फिर गुनगुनी भी हो रह जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन ठंडी हो जाए तो बेहतर है। तब तक मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ मैंगो पल्प और मैंगो क्यूब्स की। दो तरह से हम लोग मैंगो यूज़ करेंगे, एक तो हम इसका पल्प बना लेंगे मिक्सी में डाल करके, और एक छोटे छोटे से क्यूब्स बनाएंगे जो कि गार्निशिंग के काम आएंगे। और दोनों का ही टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, जब छोटे छोटे चंक्स आपको मिलते हैं ना खीर के अंदर, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। और खीर तो हम लोग मैंगो की बनाने ही वाले हैं, उसमें प्यूरे इसका ऐड करके। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं 3 मैंगो, और इनमें से 2 मैं प्यूरे करने वाली हूँ। जब भी आप मैंगो की खीर बनाते हैं ना, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको ना बिना रेशे वाले मैंगो यूज़ करने हैं। जैसे दशहरी जो है वो बिना रेशे वाला होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्वीट वाले अच्छे से पके वाले मैंगो आप यूज़ करें। और अगर जस्ट इन केस नहीं मिल रहे हैं या थोड़े बहुत रेशे वाला कोई मैंगो है आपके पास, तो उसको पहले आप ब्लेंड कर लीजिए और फिर छान लीजिए। थोड़ा सा प्रोसेस ना ये लेंदी भी हो जाता है और मैसी भी हो जाता है, पहले प्यूरे करो फिर छानो ऐसा, इसीलिए अगर आप दशहरी यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंगो ना आप जाने ही वाले हैं, बस थोड़े ही दिनों में विलुप्त से हो जाते हैं ये, और एकदम से ही बंद होते हैं। आज आपको दिखा मैंगो के 10 ठेले और अगले दिन सीधा 2, और दाम भी एकदम से बढ़ जाता है, तो जस्ट ये ख़त्म ही होने वाले हैं। तो जितना यूज़ कर सकते हैं अलग अलग यूज़ कीजिए। हम लोग तो ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे घर में मैंगो शेक या ऐसा कुछ बहुत ही कम बनता है। बट हाँ, खीर एक बार बना के ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बहुत मज़ा आएगा खाने में। गर्मा गर्म पूरी के साथ ठंडी ठंडी खीर आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगता है। भिंडी मैंने धो के रखी थी ना, तो ये ड्राई भी हो गई हैं, तो इनको जो हेड एंड टेल है इनकी कट करके मैं यहाँ पे ले आई हूँ आराम से बैठ के सोफ़े पे, और भिंडी कट कर रही हूँ। सिद्धार्थ से थोड़ी गपशप कर रही हूँ, थोड़ी हस्बैंड से बात कर रही हूँ।
सिंपल वाली जो भिंडी की भुजिया हम लोग बनाते हैं बस वही बना रही हूँ। और इसके साथ भी पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, परवल की भुजिया हो, भिंडी की भुजिया हो, इनके साथ बहुत जमती है, या फिर गोभी की भुजिया हो, बहुत अच्छी लगती है पूरी। और खीर तो है ही, खैर खीर और पूरी का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ साथ में ना इस खीर को मैं घोटती भी जा रही हूँ, इससे थोड़ी ये घुलेगी भी और ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। भिंडी में ना मैंने मेथी और जीरा का छौंका दिया है और हरी मिर्च डाली है, प्याज भी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, सीधा भिंडी अब इसमें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल करके, और हल्दी नमक बस यही जाना है, बस और कुछ नहीं जाना है, एकदम सिंपल वाली ये भिंडी की भुजिया बनेगी। और इधर मैंने ये गर्मा गर्म पूरियाँ भी निकाल ली हैं, कितनी अच्छी लग रही है ना ये फूली फूली पूरियाँ। मेरा तो अभी मन कर रहा था ना, इस टाइम जब मैं ये पूरियाँ देख रही थी और इसकी खुशबू मेरे नाक में जा रही थी, तो मन कर रहा था एक गर्म गर्म चाय फिर से बनाऊं और एक दो पूरी इसके साथ खा लूं, पर अभी टाइम नहीं था। अभी मुझे हस्बैंड के ऑफिस के टिफ़िन की पूरी तैयारी करनी थी। खीर जब यहाँ अच्छे से ठंडी हो गई तो मैंने यहाँ पर ये जो पल्प है ये ऐड कर दिया इसके अंदर, और खूब अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्का केसरी जैसा कलर हो जाएगा खीर का, बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो यहीं पे जो हमने क्यूब्स छोटे छोटे कट करके रखे हैं वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जब भी आप कटोरे में ना गार्निश करके खीर को देंगे उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं उसको। देखिए ना खीर कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी तरीके से घुली हुई, जहाँ पे आप ना ढूंढ भी नहीं पाओगे कि आपको मतलब चावल के दाने अलग अलग बिल्कुल नहीं दिखेंगे, एकदम मिली हुई बहुत ही अच्छी और एकदम परफेक्ट खीर ये बन के तैयार हुई थी, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। और ये टिफ़िन मैं अभी हस्बैंड के ऑफिस के लिए तैयार कर रही हूँ, बड़े वाले टिफ़िन में खूब भर के मैंने यहाँ पे खीर दिया था ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर सकें। ऊपर से जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे गार्निश कर सकते हो, यहाँ पे मैंगो के क्यूब्स डाले हैं, ड्राई फ्रूट्स डाला है, और इतना सारा खीर, लगभग मुझे लगता है ये 45% खीर रही होगी, 50% तो नहीं, 45% ये खीर रही होगी जितनी मैंने बनाई थी। और इस खीर के साथ अभी थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है इस बात से मैं बिल्कुल अनजान, इतने प्यार से इसको सजा रही थी, तो वो बात मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। नहा लिया है मैंने, पूजा भी कर ली, अभी कंघी नहीं की है, जस्ट नहा के सिंदूर लगा के थोड़ा सा लिप बाम और क्रीम लगा के बस मैंने पूजा कर ली। अभी थोड़ा सा बाल वाल कंघी करूँगी। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा चीज़ें सेटरेट कर रही थी वार्डरोब में, इधर और उधर वो सब कर लिया है। आज मुझे ना ये वाला बेड ओपन करना है, एक्चुअली कल मम्मी के यहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे तो मैं जाती हूँ मेट्रो से सिद्धार्थ के साथ में चली जाती हूँ ज़्यादातर जब भी मुझे जाना होता है, या कई बार अकेले भी जाना होता है, लाइक सिद्धार्थ की क्लास है उस दिन या कुछ भी है, क्योंकि वीकेंड पे ही मेरा मोस्टली जाना हो पाता है, वीकडेज तो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं और इतना पास भी नहीं है, सवा दो घंटे ढाई घंटे कई बार लग जाते हैं, ट्रैफिक वगैरह बहुत मिलता है रास्ते में, उधर का रूट ही कुछ ऐसा है। तो कल हम सभी लोग साथ जा रहे हैं। श्वेता के लिए मैंने कुछ चीज़ें, मतलब उसको किचन में ज़रूरत थी लाइक यूटेंसिल्स वगैरह ना, तो वो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ना इधर रखे हुए हैं बेड में, तो वो मुझे निकालने हैं। इलेक्ट्रिक कुकर जो मेरे पास रखा है वो मैंने काफ़ी दिन से, मतलब 6 महीने पहले से ही बोला हुआ है उसको, उसको भी ज़रूरत थी, मैं उतना यूज़ नहीं करती हूँ, उसको ज़रूरत भी थी, लेकिन मैं जाती थी मेट्रो से और ऑलरेडी मेरे पास कुछ कुछ इतना सामान ऐसा हो जाता था कि मैं उसको नहीं ले जा पा रही थी। वैसे तो हैवी नहीं होता इलेक्ट्रिक कुकर, लेकिन साइज़ में उसका डब्बा बड़ा होता है, तो वो सारी चीज़ें जो गाड़ी में जा सकती है मैं लेकर जा रही हूँ, वही अभी निकालूंगी। बेड वगैरह वैसे मैंने सारा बना दिया था, बट सारा ही हटाऊंगी, बेडशीट वगैरह गद्दा वगैरह सब हटा के तब, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है इसमें, गद्दा एक है ना तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गद्दे के साथ, तो कुछ सांस मेरी फूल रही है बस इधर उधर ऐसे 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 जल्दी 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 काम करते करते मैं एकदम से बैठ गई आप लोगों से बात करने के लिए। और सुबह अभी पता है क्या हुआ है, मतलब मेरा मूड इतना ख़राब सा हो रखा है ना, आज हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जाना था ऑफिस, उनकी ऑफिस से अलग कहीं मीटिंग थी तो वो अटेंड करना था, तो थोड़ा लेट ही जाना था, मतलब जैसे 9:15 निकल जाते हैं लेकिन उनको जाना था 9:45 तक, आधे घंटे का समझिए वो था, तो वो भी अपना धीरे धीरे काम कर रहे थे, लेकिन लास्ट में इतनी हड़बड़ी हो गई। एक तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो कहीं जाके 10:45-11 बजे आती है, वो आ गई 9:50, 10:20 बाकी थे तब आ गई। अब एक तरफ उसकी हड़बड़ी लग गई, मैं क्या है ना मैं मना नहीं कर पाती हूँ, मतलब और जैसे लोग बोल देते नहीं तुम अभी जल्दी क्यों आ गए जाओ अभी बाद में आना,
मैं कहती चलो आ गई है तो कर ही ले काम, साइड बाय साइड थोड़ा हो ही जाएगा। मैं उस समय किचन में काम कर रही थी, हस्बैंड यहाँ तैयार हो रहे थे, उसने भी अपना झाड़ू पोछा लगाना शुरू किया, तो वही खड़बड़ी सी हो जाती है मन में अजीब सा। सेम उसी टाइम पे इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाया हुआ था, इलेक्ट्रिशियन भैया को हमने सुबह 8:30 बजे बुलाया था, वो आए 10 बजे, 10:45 बजे। उधर उनका भी हड़बड़ी लग गया, उनको भी हम मना नहीं कर पाए, हमने बोला चलो काम करो। ऊपर से इनका ऑफिस जाने का, सिद्धार्थ की क्लास थी आज 11 बजे से, तो मुझे खाना दो खाना, तो अजीब सा एक माहौल बन गया था ना हड़बड़ी वाला। तो मैंने हस्बैंड का सारा खाना वाना पैक करके, और आपने देखा ही मैंने कितने अच्छे से उनका जो टिफ़िन, बड़ा सा टिफ़िन, कितनी सारी उसके अंदर खीर, क्योंकि ऑफिस में कुछ अच्छा जैसे भेजो ना तो ज़्यादा करके भेजो तो सही रहता है, कई सारे लोग साथ में खाना खाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक एक चम्मच हो, कम से कम हाफ कटोरी तो हो सबके लिए। तो उस हिसाब से मैंने ढेर सारी भर के बड़े वाले टिफ़िन में खीर अच्छे से सजा करके और रखी थी। अब सिद्धार्थ को मैंने बोला बेटा पापा का ना तुम पानी की बॉटल भर के उनके बैग में रख दो, लंच वाले बैग में। सिद्धार्थ पानी की बॉटल रखने गया और उससे पता नहीं क्या डिसबैलेंस हो गया, पूरा का पूरा इनका जो लंच का बैग था ना वो नीचे गिरा धड़ाम से, और कांच का था उसके अंदर पूरी भरी हुई खीर थी, टुकड़े टुकड़े हो गया और इतनी सारी खीर भी वेस्ट हुई। 450 का मेरा कांच का डब्बा गैस हो गया, खीर भी वेस्ट हो गई, और मूड इतना ख़राब हुआ ना, सिद्धार्थ को भी मैंने खूब डांटा, वो भी रोने धोने लग गया। मैंने कहा तुम ठीक से देख के नहीं रख सकते हो, वो भी गुस्सा हो रखा था कि मुझे, मेरी क्लास है मुझे पहले खाना दे दो, आपने आंटी को क्यों झाड़ू पोछा कर, मतलब अजीब सा एकदम कियोस हो गया था एकदम। फिर वो भी अपना सिद्धार्थ भी खूब रोया, आज मैंने उसको बहुत डांट दिया, तो ये सारा कुछ हो गया। और हस्बैंड मुझे बोल रहे कि ये तो एक्सीडेंट है, किसी से भी हो सकता है, तुमसे भी तो चीज़ें टूट जाती हैं, मेरे से भी टूट जाती हैं, तो बच्चा है तो तुम उसको ज़्यादा क्यों डांट रही हो, हमसे टूट जाती है तो क्या हम ऐसे करते हैं, मतलब एक कियोस, ऐसा कियोस बन गया था ना। अब जाके जब शांति से बैठी हूँ तो लगता है यार ये सब चीज़ें जो आप गुस्से में बोल देते हो ना नहीं बोलना चाहिए, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, बहुत मतलब हो गया अब, हो गया तो क्या कह सकते हैं, किसी के हाथ से भी हो सकता है, बट ये सब कुछ हुआ तो दिमाग एकदम खचर पचर रखा है मेरा। और सिद्धार्थ की क्लास हो गई है बाय द वे, इसीलिए मैं अभी तक कुछ ब्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि एकदम साइलेंस करके मैं अपना इस रूम में अपना वार्डरोब वगैरह सही कर रही थी कि अपना वो अच्छे से, ड्राइंग रूम में क्लास कर रहा था, यहाँ थोड़ा नेटवर्क कम आता है एक्चुअली। तो उसकी क्लास भी हो गई है, वो बैठ के अपना गेम खेल रहा है, मेरा नहाना भी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये बेड हटा के ना सारा सामान इसके अंदर देखूँगी क्या क्या है। उसको एक कास्ट आयरन की कढ़ाई चाहिए, एक स्टील का पैन चाहिए, इलेक्ट्रिक कुकर जो है वो तो दे ही रही हूँ मैं, तो देखती हूँ कहाँ क्या चीज़ें रखी है, मैं भी भूल जाती हूँ, बट मुझे ये याद है कि कास्ट आयरन की कढ़ाई इधर रखी हुई है, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। और अभी जब मैं बात कर रही थी ना तो ये बात तो मैं बताना ही भूल गई कि फिर से मैंने जैसा डब्बा बनाया था ना, जैसा आपने एग्जैक्ट डब्बा देखा था वैसे ही मैंने दूसरा डब्बा निकाला, बची हुई सारी खीर उसमें डाल दी, सिर्फ आधा कटोरी खीर मैंने अपने लिए रखी और सारी की सारी खीर मैंने दे दी। तो जितनी खीर आज बनी थी उसमें से आधी 45% तो वेस्ट हो गई, बाकी की जो ऑफ़िस में मुझे जितनी देनी थी मैंने उतनी दी ऑफ़िस के लिए, थोड़ी सी रखी। तो कई बार मुझे लगता है खाना बनाते बनाते ना अपनी नज़र लग जाती है खाने को ही कि वो वेस्ट हो जाता है, और ऐसे जब खाना वेस्ट होता है ना तो उसकी तकलीफ़ दिल से उतरती नहीं है, पता नहीं क्यों, आपके साथ ऐसा होता है क्या? मतलब मैं अभी भी ये वीडियो जब एडिट कर रही हूँ, ये 2 दिन पहले की बात हो गई है, बट अभी भी एडिट कर रही हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ़ सी हो रही है ना वो खीर देख के कि ये गिर गई, ये वेस्ट हो गई। ऐसे कभी कभार तो हमारे हाथों से कितनी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, बट ऐसे गिर के टूट के या कुछ गिर जाए खाने में, ऐसे कुछ वेस्ट होता है ना, और वो खाना जो आपने बड़े मन से प्यार से बनाया हो और वो आप बड़े कभी कभी बनाते हो तो बड़ी तकलीफ़ होती है। खैर जो बीत गई वो बात गई, छोड़िए उस बात को, बट बताइएगा ज़रूर आप कैसा फ़ील करते हो, तुरंत एडजस्ट कर जाते हो या मेरी तरह सोचते रहते हो, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। चलिए इधर मैंने ये जो बेड है ना, मुझे याद आ रहा था कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मुझे कास्ट आयरन का कढ़ाई यहाँ नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरे पास कुछ स्लीवलेस सूट रखे हुए थे, स्लीवलेस में थोड़ा कमी आजकल पहन पाती हूँ, तो स्लीवलेस मैंने सोचा कि सब नए नए रखे हुए हैं तो ये मैं पास ऑन कर दूँगी। साथ ही कुछ और चीज़ें मुझे दिखी जो मैं भूल गई थी तो वो सब मैंने निकाल ली हैं, कुछ बहुत मैं पास ऑन कर दूँगी और कुछ बहुत मैंने रख ली हैं पहनने के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ी भुलक्कड़ टाइप्स हूँ तो सुबह की बात कभी कभी मुझे शाम तक याद नहीं रहती है, तो कोई चीज़ अगर मैंने कुछ महीनों पहले अपने बेड में रखी होती है ना तो कई बार मैं उस चीज़ का अस्तित्व भी बिल्कुल भूल जाती हूँ, मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरे पास है। जैसे अभी खोजते खोजते मुझे कुकर मिला, एकदम नया कुकर
मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास कुकर है। और मैं बहुत दिन हो गए मुझे, मैं सोच रही थी कि यार दो कुकर में काम नहीं चलता, कई बार ऐसा लगता है कि एक और कुकर होना चाहिए, तीन कुकर होने चाहिए। तो मैं सोच रही थी, फिर अभी जब मैं बर्तन ढूंढ रही थी तो मुझे वो कुकर दिखा। हालांकि मैंने उसको निकाला नहीं है अभी, मैं जैसा सोच रही हूँ कुकर एक वैसा अगर मुझे मिल गया तो मैं वैसा मंगाऊंगी। ये थोड़ा दूसरे डिज़ाइन का था तो मैंने इसको निकाला नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो मैं भूल चुकी थी ना। मुझे यहाँ बेड में कढ़ाई मिली, वो 1 घंटे से मैं लगी हुई हूँ, और ना मुझे वाले बेड में कढ़ाई मिली। तो अब ढूंढना यहाँ है, अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, शायद यही रख दिया है मैंने। तो मैंने इतना तूफान मचाया ना आज घर में, बेड खोला, उसके बाद जो ऊपर मेरा स्टोरेज है ना जो मैं आपको दिखा रही थी, मैंने वो खोला, उसका आधा सामान निकाल के वहाँ से जो जो मुझे चीज़ें लगी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कुछ कुछ फ़ोन करके पूछ भी लिया कि श्वेता ये है मेरे पास, अगर तुम्हें चाहिए तो बता दो, तो पूछ के मैंने सारी चीज़ें वो पैक करके रख दी हैं। और जो मुझे कुछ अपने लिए निकालना था वो भी मैंने निकाल लिया है, वो खोला। उसके बाद मेरा जो अलमीरा है ना, जो मेरी वार्डरोब है, उसके ऊपर लॉफ्ट है, उसके पीछे भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो भी मैंने निकाली। तो ये सारा काम करने में लगभग मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो लंच में मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बना लेती हूँ, वो एकदम सिंपल होगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सुबह पूड़ी और भुजिया और वो सब जो बना था वो तो सब ख़त्म हो गया, खीर रहती तो खीर का तो मैंने कहानी आपको बता ही दिया। तो फटाफट फिर मैंने खिचड़ी बनाई, सैटरडे भी था ना तो खिचड़ी आज बन भी सकती थी। और मुझे ये तड़का पैन स्टील वाला मिला जब मैं खोजबीन कर रही थी, तो ये तो मुझे खैर याद था क्योंकि इसको मैंने बहुत यूज़ किया हुआ है, तो मुझे याद था कि एक स्टील का रखा हुआ है। अभी मेरे पास करेंटली ना दो तड़का पैन है, जो कि एक कास्ट आयरन और एक आयरन शीट वाला है। तो मैंने सोचा चलो एक ना स्टील का निकाल लेती हूँ, तो ये मैंने निकाल लिया। कल रात मैंने दही जमाया था जो कि इतना परफेक्ट जमा था, बहुत ही अमेजिंग, एकदम जैसे कहते हैं पत्थर की तरह दही था, बिल्कुल भी पानी नहीं दिख रहा था उसमें। तो उसको देख के ना मैं बड़ी खुश हो गई थी। तो वो मैं खाऊंगी अपनी खिचड़ी के साथ में, और यहाँ जीरा, सूखी मिर्च और हींग का मैं छौंका दे रही हूँ। और दही आप देख सकते हो कितना अमेजिंग बना है। सिद्धार्थ उस दिन हम लोग DLF मॉल गए थे ना, तो मार्केट 99 से ये लेकर आया था, बस ये पैकेट मिल ले। अब इसको ये लग रहा है कि कितनी अमेजिंग चीज है। अब इसमें पॉपकॉर्न डाल के मंगाए हैं, खाएगा। और मूवी कौन सी चल रही है? पूरी। सिद्धार्थ ने देखी पहले फाइटर, एकदम दीवाना हो गया उसको देख के, अब उसको सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज देखनी है, तो अब चल रही है उरी। और ये उरी देखते देखते ये खाएगा। इतने सही और डालो पॉपकॉर्न, ओह माय गॉड, इतने सही और डालो। बकेट तो मस्त लग रही है, इसको इसमें खूब सारे पॉपकॉर्न भर लो या स्नैक्स भर लो, अच्छी चीज लाए हो खरीद के। तो अरे थोड़े पापा के लिए भी छोड़ दिया पैकेट में। सिद ने आज की छुट्टी ले रखी थी, दिन में उसके क्लास थी, उसके बाद उसने बोला आज मैं कीबोर्ड पढ़ाई दोनों से छुट्टी लूँगा, आज मैं इन्जॉय करना चाहता हूँ। तो इन्जॉय करने के लिए उसने ये बकेट जो लेकर आया था ना, इसने इसी टाइम के लिए मंगाई थी कि ये बकेट मैं यूज़ करूँगा जब मैं मूवी देखूँगा। अभी रिसेंटली उसने फाइटर देखी थी और इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया है वो, जैसे कि उसकी आदत है, पहले पायरेट्स ऑफ द करेबियन, उसके बाद शाहरुख खान की मूवीज़, उसके बाद फिर और क्या था, बहुत सारे ऐसे वो प्रभावित होता रहता है। तो अभी वो ये वॉर वाली मूवी से प्रभावित हुआ फाइटर देखने के बाद, तो आज उसने लगाई है उरी, और आज उरी देख रहा है वो बैठ के। तो उसके साथ उसको पॉपकॉर्न बकेट चाहिए था, तो इसके अंदर पॉपकॉर्न तो नहीं है, उसकी और फेवरेट चीज़ें हैं, बट ये बकेट शॉप 99 से ख़रीद के लाया है कि मैं जब अपने घर में अपना होम थिएटर को एक्सपीरियंस करूँगा तब मैं साथ में इसको मंचिंग करते हुए अपनी मूवीज़ वगैरह देखूँगा। तो बस वही आज इन्जॉय कर रहा है ये सैटरडे को। और चलिए आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।